नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर, जहां दी जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापत। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर बहुत दिनों से ज़्यादातर एक ही सवाल आ रहा है, 5 रुपए का सिक्का जो कि बनाए गए थे भारत के संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर, इन सिक्कों में लोन डायरेटिव देखने को मिलती है और ऐसी लोन डायरेटिव के सिक्कों की आज के समय कितनी कीमत है? ये सिक्के रेयर हैं या फिर स्केयर हैं या नॉर्मल हैं? दोस्तों, इन 5 रुपए के सिक्कों की पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले इन 5 रुपए के सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। ये सिक्के भारत के संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर जारी किए गए थे। ये सिक्के निकल ब्रास से बने होते हैं, वजन में लगभग 6 ग्राम के आसपास होते हैं, साइज 23 mm, शेप सर्कुलर और एज की बात करें तो एज इनकी रेडेड है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों की डिज़ाइन की। ये जो सामने का भाग है इसे ओवर्स भाग कहते हैं। लेफ्ट साइड हिंदी में भारत लिखा गया, राइट साइड में इंडिया अंग्रेजी में लिखा गया। ऊपर अशोक स्तंभ दिखाया गया, सत्यमेव जयते के साथ और रुपीज का सिंबल है, अंकों में 5 है। इसका जो बैक साइड है ये रिवर्स भाग है। रिवर्स भाग में बीच में पार्लियामेंट हाउस का चित्र दिखाया गया है। ऊपर हिंदी में टॉप में लिखा गया है भारत के संसद के 60 वर्ष और नीचे अंग्रेजी में लिखा गया है 60 ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और ईयर दिखाया गया है 1952 टू 2012। दोस्तों, ये सिक्के भारत के चारों मिंटों में जारी किए गए थे, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। वैसे ये चारों ही मिंट के सिक्के सामान्य सिक्के हैं और इनकी कीमत की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक जाती है। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों में आने वाले लोन डायरेटिव पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। दोस्तों, इन 5 रुपए के सिक्कों में दो तरीके के लोइन देखने को मिलते हैं। एक तो बिग लोइन जिसे फेट लोइन कहते हैं, दूसरा ये लोइन जो कि स्मॉल लोइन है जिसे थिन लोइन भी कहते हैं। ये दो तरीके के लोइन इन सिक्कों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बॉम्बे मिंट के सभी सिक्कों में ये ए टाइप लोइन देखने को मिलता है जिसे बिग लोइन कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट में देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी सभी मिंटों में कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्कों में बी टाइप लोइन देखने को मिलता है जिसे स्मॉल लोइन कहते हैं या फिर थिन लोइन कहते हैं। दोस्तों, इन 5 रुपए के सिक्कों में एक ही मिंट में दो तरीके की लोइन डायवराइटीज देखने को नहीं मिलती है और चारों मिंट के सिक्के ये सामान्य हैं जिनके। दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो ए टाइप लोइन है ये सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही पाया जाता है, जबकि बी टाइप लोइन ये तीनों मिंटों में पाया जाता है, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट में, जिस कारण ये सिक्के सामान्य। अगर ये सिक्के तब कीमती होते जब एक ही मिंट में दो तरीके के लोइन डायवराइटी पाई जाती तो इन सिक्कों की कीमत इन नॉर्मल सिक्कों से बहुत ज़्यादा होती। दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इन नॉर्मल सिक्कों की कीमत यूएनसी कंडीशन में 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक जाती है। आपसे उम्मीद करता हूँ इन 5 रुपये के सिक्कों में जो लोन डायवराइटीज की जानकारी आप चाहते थे वो आपको मिल गई होगी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।